Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. नोबेल समिति ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी गीतों को नया आयाम देने के लिए बॉब डिलन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि जब किसी गीतकार को उनके गीतों के लिए नोबेल दिया जा रहा है। गीतों के लिए कवियों को नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 75 साल के डिलन 5 दशकों से भी ज्यादा समय से लोकप्रिय संगीत और संस्कृति में प्रभावी शख्सियत रहे हैं। उनके ज्यादातर मशहूर गाने 1960 के दशक के हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में मिस्टर टैम्बूरिन मैन से लेकर लाइक अ रोलिंग स्टोन, ब्लोइंग इन द विंड, द टाइम्स दे आर चेंजिंग शामिल है।